अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू रिजवाना किचन एंड ब्लॉग। तो आज हम बनाएंगे गोंद के लड्डू। तो चलिए मेरे किचन की तरफ देखिए मैं किस तरह बना रही हूँ। तो ये वीडियो आप लोग मेरी पूरी देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखिए, गोंद के लड्डू बनाने के लिए मैंने दिल्ली वाली खजूर ली है, जिसको मैंने धो के इसकी पूरी गुठलियाँ निकाल ली है। देख सकते आप लोग, मैंने इसकी पूरी जो बीज होते हैं ना, इसने सब निकाल लिया है। ये मैंने एक प्लेट ली है और ये है पम्पकिन शीट, ये मैंने एक पैड़ी ली हुई छोटी, और बादाम है एक पैड़ी जिसको मैंने काट के ले लिया है, और ये काजू है, काजू को मैंने इस तरह बारीक टुकड़े में इसको काट लिया है, और ये है किशमिश, और ये गोंद, ये तो घी आपको मालूम है, घी तो लगता ही है, और ये सूखा नारियल है जिसको मैंने इस तरह से इसे घिस के ले लिया है। तो चलिए हम बनाते हैं लड्डू। तो देखिए, गैस पे मैंने कढ़ाई गरम के लिए रख दिया है, फिर हम इसको डालेंगे थोड़ा सा घी। घी को हम पहले अच्छी तरह गर्म होने देंगे, फिर इसमें डालेंगे हम काजू बादाम को, थोड़ा सा हम घी में भून कर लेंगे। घी गर्म हो गया है, हम डाल देंगे। काजू बादाम हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया है, अभी हम इसको निकाल लेंगे। मैंने गैस को बंद कर दिया है, अभी इसको निकाल लेंगे। कढ़ाई में हम वापस डालेंगे थोड़ा सा घी, और इसमें डालेंगे कद्दू के बीज यानी कि पम्पकिन सीड, इसको भी थोड़ा सा भून के लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर ही किशमिश भी डाल देंगे, दोनों को मिलाकर भून के लेंगे। गैस को मैंने बंद कर दिया है, इसको भी निकाल लेंगे हम प्लेट। खोबरे को हल्का सा भून के लेंगे बगैर घी का। गैस को मैंने बंद कर दिया, तभी हम चालू कर देंगे, और इसमें हम घी हो घी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ ऐसे ही इसको हल्का हल्का थोड़ा सा भून कर लेंगे।
इसमें क्या होता है, पहले से इसमें तेल होता है, तो इसको घी कुछ डालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही इसको हम भून लेंगे। डिलीवरी में भी इसको नीम ऑन मदर को देंगे ना तो भी बहुत अच्छा है डिलीवरी होने के बाद। आप लोग और ऐसे भी खा सकते हैं इसको, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसकी डिलीवरी हो गई उसी को दे, सब भी खा सकते हैं। गैस को बंद कर देंगे, इसको भी निकाल लेंगे। अभी कढ़ाई के अंदर वापस डालेंगे हम थोड़ा सा घी। घी को हम पहले अच्छी तरह गर्म होने देंगे। घी को हम पहले गर्म होने देंगे, फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके गोंद, पूरा नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा। अच्छा फूलने तक हमको इसको फ्राई करके लेना है इसके अंदर। एकदम मस्त फ्राई हो गए, अभी हम इसको निकाल के इसी बर्तन के अंदर हम इसको डालेंगे। अब वापस हम इस कढ़ाई में थोड़ा सा और घी डालेंगे और बाकी का बच्चा वो पूरा गोंद एक साथ भून तल के लेंगे उसको भी। ये गोंद भी मेरा अच्छी तरह फ्राई हो गया है, अभी हम गैस को कर देंगे बंद और इसको भी निकाल लूंगी प्लेट। क्या करेंगे, खजूर को मिक्सर के बर्तन में डाल के पीस के अभी हम इसको कढ़ाई के अंदर डालते जाएंगे। सब खजूर पीस पीस के हम कढ़ाई में डाल देंगे, बाकी की बची हुई भी मैं पीस लूंगी। पूरी खजूरी मेरी पीस की हो गई है, अच्छी तरह से पूरा पीस।
करके बर्तन में से निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, हम गैस को चालू कर देंगे और इसमें और थोड़ा सा घी डाल के इसको खजूर को थोड़ा सा भून के लेंगे। एकदम आसान से रेसिपी है लड्डू की, आप लोग भी ये मेरी रेसिपी जरूर ट्राई करना। थोड़ा ही हल्का ही भुनना है, ज्यादा नहीं। क्या कर देंगे, हम गैस को बंद कर देंगे और इसको यहाँ पे रख देंगे, बीच में रख देंगे और खजूर को इसके अंदर डाल देंगे। चम्मच को निकाल देंगे हम और इसको हाथों से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। दोनों हाथों से हमको अच्छी तरह से इसे खजूर को इसके अंदर मिक्स कर देंगे। जब तक ये अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा ना, तब तक हमारे लड्डू अच्छी तरह बनेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर हरी इलायची का पाउडर डालेंगे, एकदम अच्छी खुशबू आएंगी हमारी लड्डू में, खाने में भी एकदम मस्त लगेंगे। और मिक्स कर लेंगे, हमने इसमें हरी इलायची का पाउडर डाला है ना। अब क्या करेंगे, हम ये अच्छी तरह मिक्स कर लिया है मैंने, अभी हम लड्डू बनाते हैं, छोटे बड़े आपको जो साइज के बनाना है वो साइज। देखिए एक लड्डू मेरा मस्त वाला बन गया है।
अभी हम रखेंगे इसको प्लेट में, बाकी के भी मैं सब इसी तरह से बना दूंगी। आपको बड़े बनाना है बड़े, छोटे बनाना है छोटे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। एकदम हलवाई जैसे बनाई मैंने आज। दूसरा भी मेरा बन गया, इसको भी रख दूंगी मैं प्लेट। इसको लगेगा मेरे को टाइम, तो मैं नीचे बैठ के आराम से पूरे बनाऊंगी, और आप लोगों को पूरे बनाने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग तीन आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने किस तरह बनाई हूँ। तीन बन गए हैं, अब मैं आराम से नीचे बैठकर बनाती हूँ, बनाने के बाद आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए मेरे मस्त वाले सब लड्डू बन के तैयार हो गए, देख सकते हैं आप लोग नजदीक से, एकदम मस्त लग रहे हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी है, मैंने तो एक खा भी लिया है। अभी हम क्या करेंगे, उसको मिठाई वालों की तरह उसको थोड़ा सा लुक देंगे। तो देखिए सारे लड्डू को हम पहले है ना थाले में रख देंगे, मेरे पास ये कागज है, हम इसके अंदर एक एक लड्डू को ऐसे रखते हैं। लग रहे हैं ना एकदम मिठाई की दुकान की तरह, तो हम सब लड्डुओं को इसी तरह से पेपर में ऐसे रखते हैं। सबको लगेगा कि ये मिठाई से मिठाई की दुकान से ही मंगाए। पूरे लड्डू हम कागज में ऐसे रख देंगे और एक डब्बे में इसको हम रख देंगे, जब दिल बोला जब हम इसको खाएंगे। मैंने इनको थाले में रख दिया है और कुछ मैंने इस ट्रे में रख दिया है। तो ये मेरी रेसिपी आप लोगों को लड्डू की कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिए। फिर मिलती है मैं अच्छी अच्छी रेसिपी और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज। फिर मिलूंगी मैं आप लोगों को वापिस। तो देखिए नज़दीक से मेरा ये लड्डू, बाय। बीवी ने प्यार से पति का सर दबाते हुए पूछा, शादी से पहले कौन दबाता था? पति बोला, शादी से पहले सर दर्द होता ही नहीं था।